वेलकम बैक टू श्वेता बैसला के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, सो एम आई। और सबसे पहले आपको हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आज हनुमान जी का बर्थडे है, तो अभी हम हनुमान मंदिर ही जा रहे हैं बच्चों को लेकर, उनको हनुमान जी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए और खुद भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो हम पास ही के हनुमान मंदिर में जा रहे हैं, चलिए आप भी हमारे साथ चलिए और दर्शन कीजिए। अपने साथ धूप बत्ती दिया और माचिस ले ली है, प्रसाद हम वही मंदिर के सामने से ले लेंगे। जस्ट गांव से बाहर निकलते ही हनुमान मंदिर आ जाएगा, बहुत घर के पास है यह मंदिर, हम वहीं पे जा रहे हैं, ज्यादा दूर तो नहीं जा रहे। मिल तो जाना चाहिए प्रसाद। प्रसाद वाले वैसे तो बाहर बैठे रहते हैं पर आज बैठे नहीं हुए। मैं ले आऊंगा, तुम चलो उतरो। ठीक है, गांव के मंदिर के पास हमको प्रसाद नहीं मिला। वैसे वहां पे प्रसाद मंगलवार के दिन तो बैठे रहते हैं प्रसाद लेके, तो हमने सोचा आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन भी वहां पे बैठे होंगे, पर वहां पे हमको प्रसाद नहीं मिला। तो हम बल्लभगढ़ की तरफ निकल आए, तो फिर तानी के पापा बोले एक और बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है यहीं पास में, थोड़ा मतलब आगे जाकर, तो शायद हनुमान जी ने अपने बड़े मंदिर पे हमको आज बुलाना था, इसलिए हमें वहां पे प्रसाद नहीं मिला, तो अब हम वहीं जा रहे हैं। बल्लभगढ़ से निकलना तो अपने आप में ही एक टास्क हो जाता है, हमेशा ही यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है। जिस हनुमान मंदिर हम जा रहे हैं उसको नीलम वाले हनुमान मंदिर बोलते हैं, ये तानी के पापा ने मुझे बताया। मैं उस हनुमान मंदिर कभी भी नहीं गई हूँ, आप तो गए हुए हो ना? हाँ मैं गया हूँ, हल्दीराम के सामने, बिल्कुल जस्ट सिल्वर सिटी मॉल के जस्ट सामने। अच्छा, तो मुझे तो आज पहली बार बाबा ने अपने मंदिर पे बुलाया है अपने जन्मोत्सव पर, तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। मैंने रास्ते से जाते हुए देखा तो है, वहाँ पे बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है। बाहर से तो मैंने कई बार दर्शन किए पर कभी भी मैं अंदर नहीं गई, तो आज फर्स्ट टाइम मैं इस मंदिर में जा रही हूँ। आज फ्लाईओवर पे भी थोड़ा सा जाम देखने को मिल रहा है, शायद मंदिर की वजह से ही यहाँ पे जाम है जहाँ तक हम अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लाईओवर्स पे तो जाम नहीं मिलता नीलम के आसपास। ये रहा मंदिर सजा हुआ है, भीड़ है ना? इतनी भी नहीं है, ठीक ठाक, अभी आनी शुरू हो गई है भीड़। जगह जगह गाड़ियां यहाँ तक लगी हुई है वैसे तो। वेट। देखो कहाँ गेट खोल रहा बेवकूफ। प्रसाद तो ले लो, जय श्री राम।
ये रहे बाबा जी के चरण। हिमालय पर्वत में तपस्या करी थी भगवान शिव जी की, और फिर उन्होंने प्रसन्न होकर हनुमान जी का उनके गर्भ से जन्म लेने के लिए उन्होंने कहा था, उनको वचन दिया था भगवान भोलेनाथ ने। 11वें रुद्र अवतार है, कलयुग के देवता है हनुमान जी, इनकी सबसे बड़ी मान्यता है। और ये वस्त्राणी हनुमान जी, कपड़े वाले बाबा है, और ये चोला पहनते हैं, ऐसे हनुमान जी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और हनुमान जी को जागृत देव क्यों कहा जाता है पंडित जी? क्योंकि ये अमृत है इनके पास, ये अमर देवता है, इनको अमृत की प्राप्ति है, अमर देवता है। चलो चलो लगा, परकम्मा लगा है? कैसे परकम्मा कैसे? चलो लगा लो। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पे मैं तो आज बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। यहाँ पे हनुमान जी को चोला चढ़ता है, वो बता रहे थे ये अपनी तरह के एक ही हनुमान जी हैं, मुझे इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। और जब लोग अंदर जा रहे थे, अंदर जाना सबको अलाउड नहीं था, पर मैं अंदर चली गई और हनुमान जी ने बिल्कुल अपने पास मेरे को बुला लिया और उनके चरणों में मैंने प्रसाद अर्पित किया, और जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई। पंडित जी काफ़ी बिजी थे, तब भी उन्होंने कुछ क्षण मेरे को हनुमान जी के जन्मोत्सव के बारे में बताया, जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। और हनुमान जी के जन्मोत्सव पे आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एंड हनुमान जी ब्लेस अस। सो इन द एंड, हैप्पी हनुमान जन्मोत्सव वंस अगेन। जय श्री राम।